आज के युवाओं को मैं बस इस वीडियो में यही बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों को प्रोफेशनल कोर्स ही करना है तो वो थोड़ा हटके कोर्स करें, ठीक है। हटके आई मीन्स मतलब कॉमन से हटके, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं लोग, सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब जो कॉमन सा हो गया, जो ट्रेंड सा चल गया, जो पड़ोसी करते हैं, जैसे पड़ोसी ने मैकेनिकल लिया तो मैं भी मैकेनिकल लूँगा, हमारे पड़ोस में चार सिविल इंजीनियरिंग लिया तो मैं भी सिविल लूँगा, CS, IT, EC जो लिया है, जो ट्रेंड पहले से चल रहा है, फिर हमारे रिश्तेदार में मेरे भैया ने EC कर रखा तो मैं वही ब्रांच लूँगा। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो उन लोगों का समय में वैसा था तो हाँ उन लोगों का प्लेसमेंट हो जाया करता था, वो आज से पीछे की बात है, 10 साल पहले की बात है तब, बट अभी की स्थिति बदल चुकी है। आज के फील्ड में मतलब लोगों को जॉब मिल ही नहीं रहा है, इन सारे ब्रांच में जॉब की कमी हो गई है, और बोले तो बहुत सारे इतने इंजीनियरिंग कॉलेज ही खुल गए हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री की वैल्यू ही कम गई है, ठीक है। तो उन लोगों को मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को कि कृपया करके इनसे कुछ हटकर अब कोर्स करने का सोचो, कि जो सारे लोग पड़ोस के लोग नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हमारे रिश्तेदार में जिन्होंने नहीं करा है, या ज़्यादा लोगों की संख्या कम है, तो उस फील्ड में आपके प्लेसमेंट होने की डेफिनेटली चांस रहेगी, आपका करियर डेफिनेटली उसमें बन जाएगा। जैसे आपको करना ही है तो आप एरोनॉटिकल करो, एरोनॉटिकल से इंजीनियरिंग करो, ठीक है, AME कोर्स करो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स करो, मैरीटाइम इंजीनियरिंग करो, मैरीटाइम से मैनेजमेंट करो, MBA करना है तो मैरीटाइम मैनेजमेंट होता है, उसके लिए अलग से फॉर्म आता है, आप उस फॉर्म को फिलअप करो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, आप वहाँ से मैरीटाइम इंजीनियरिंग करो, आप मेरीन इंजीनियरिंग करो। तो ये सारे फील्ड में अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी और डैम से और प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसके कॉलेज एरोनॉटिकल कॉलेज बहुत कम है भी हैं, बहुत जगह कॉलेज हैं ही नहीं, बेंगलोर चेन्नई में है, ठीक है, तो ये कॉलेज भी इनकी कम होती है। या फिर मैरीटाइम इंजीनियरिंग की बात करें तो इनकी भी कॉलेज बहुत कम जगह होगी, विशाखापट्टनम में हो सकती है, बेंगलोर में है, आई थिंक कोलकाता में भी है। तो आप इससे इंजीनियरिंग करो, थोड़े पैसे अधिक लगेंगे बट आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो कम ही लगेंगे थोड़े, पर आपको इससे डैम से प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कोर्स करना है तो ये हटके करो, और जिन लोगों को ये सब नहीं करना है, टेक्निकली नहीं करना है, तो उन्हें भी कोर्स करना है तो वो हटके कोर्स कर सकते हैं। आप फैशन टेक्नोलॉजी करो, वेब डिज़ाइनिंग करो, कुछ हटके करो यार, वो मत करो कि जो पड़ोसी ने कर रखा है, ठीक है, तो वो चीज़ मत करो, ठीक है ना। एक और भी एक अच्छा फील्ड है, आप उसमें भी करियर बना सकते हो, आपको करना ही है तो लॉ कर लो, लॉ में भी अच्छा काफ़ी आप मतलब आगे निकल सकते हो, क्योंकि लॉ के क्षेत्र में लोग बहुत कम कैरियर बनाते हैं, उधर उनका फोकस है ही नहीं, जो लोग लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने लॉ कर रखा है, तो उनका कैरियर काफ़ी ब्राइट होता है और एक रिस्पेक्टेड जॉब भी है। अगर अच्छे लॉयर बन जाते हो तो काफ़ी पैसा आप कमाओगे, इनफैक्ट आप जज भी बन सकते हो आगे, आप अगर अच्छे प्रैक्टिस करते हो, अच्छे हो, आपके पास आपने अच्छे यूनिवर्सिटी से लॉ कर रखा है तो आप लॉ कर सकते हो, लॉ में भी करियर काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, उधर लोग काफ़ी भीड़ कम है, तो आप उधर भी अपना करियर बना सकते हो। उसके लिए आप क्लैट का एग्ज़ाम दो, अच्छी यूनिवर्सिटी से आप लॉ करो, अब तो पटना में भी लॉ यूनिवर्सिटी खुल चुका है, बहुत जगह लॉ यूनिवर्सिटी है, अब वहाँ से अच्छे जगह से लॉ करो कि आप करियर बनाओ, क्योंकि आफ्टर क्या होता है, जो लोग लॉ कर लेते हैं ना तो रिटायरमेंट के बाद भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर अदर जॉब में क्या होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद वो बंदा क्या है कि घर में बैठ जाता है, बोर सा होने लगता है, बट लॉ वाले क्या है कि जीवन के अंत तक भी वो ऑफिशियल बैकग्राउंड से हमेशा जुड़े रहेंगे और वो कभी बोर नहीं होते लाइफ में। इनफैक्ट लॉ भी एक अच्छा कोर्स है, तो करने का मतलब कि आप भीड़ से हट कर कोर्स करो, वो कोर्स नहीं करो कि जो आपके पड़ोसी कर रहे हैं आई मीन, ठीक है, या फिर आपके भैया ने कर लिया, आपके चचेरे भैया फुफेरे भैया रिलेशन में हैं बहुत सारे, आज तो आप देख ही रहे हो स्थिति कैसी हो गई इंजीनियरिंग की, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, फिर भी लोग CS, IT, सिविल, मैकेनिकल EC लिए जा रहे हैं, ठीक है यार, थोड़ा हटके करो। और प्राइवेट से भी करना है तो हटके कोर्स यही सब करो, मैरीटाइम इंजीनियरिंग करो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करो, मैरीटाइम से MBA करो, लॉ कर लो, ठीक है, तो ये सब करो। CS IT लेना ही है तो अगर आपको IT NIT मिल रहा है, ठीक है, वो भी टॉप IT NIT त्रिची, IT मुंबई, चेन्नई, ये सब मिल रहा है, मद्रास, रुड़की, ठीक है, तो ये सब मिल रहा है तो वहाँ से आप CS IT वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसा इन्वेस्ट करना ही है तो आप ये सब करो, ठीक है, नौकरी भी मस्त है, रॉयल जॉब होती है और प्लेसमेंट भी डैम सॉर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।